नमस्कार दोस्तों, हिंदी टेक मंत्रा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बताने जा रहे हैं NSDL के साइट पर अपना ई पैन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने भी अभी जस्ट नया पैन कार्ड अप्लाई किया है और आपको अपना ई पैन डाउनलोड करना है, या तो आपका पैन कार्ड पहले से बना हुआ है और आपका पैन कार्ड खो गया है और आपका दोबारा से ऑनलाइन पैन कार्ड डाउनलोड करना है, वो आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों, वो हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। जानने के लिए दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि ई पैन NSDL की साइट पर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं गूगल क्रोम ब्राउज़र, और यहाँ पर हम जस्ट टाइप कर लेते हैं ई पैन NSDL। दोस्तों आप ई पैन NSDL भी टाइप करेंगे तो सामने NSDL का जो साइट है ओपन हो जाएगा, जहाँ से आपको ई पैन डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको चाहिए तो दोस्तों हम ये जो देखिए हमारा सामने दिख रहा है डाउनलोड ई पैन कार्ड NSDL, तो हम डायरेक्ट इस पर क्लिक करके अपना NSDL का ई पैन डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको चाहिए तो लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल के रख देंगे दोस्तों, आप वहाँ पर भी डायरेक्ट जाकर अपना ई पैन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, जैसा कि हमने वहाँ पर साइट ओपन कर चुके हैं। साइट ओपन करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से देखिए हमारे सामने ओपन हो चुका है। यहाँ पर देखिए दोस्तों एक्नॉलेजमेंट नंबर और पैन कार्ड का दो ऑप्शन दिख रहा है। अगर दोस्तों आपने अभी जस्ट पैन कार्ड अप्लाई किया है तो आपके पास एक्नॉलेजमेंट नंबर रहेगा जो आपका पैन कार्ड के पावती पर लिखा रहता है, तो आप उसके थ्रू भी जाकर अपना पैन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अगर दोस्तों इसके पहले आपका पैन कार्ड ऑलरेडी बन चुका है और आपका पास अभी पैन कार्ड नहीं है और आप अपना ई पैन डाउनलोड करना चाहते हो, तो आपके पास पैन कार्ड नंबर रहना चाहिए, तो आप अपना पैन नंबर डालकर भी ई पैन डाउनलोड कर सकते हो। तो जैसा कि दोस्तों हमारे पास अभी एक्नॉलेजमेंट नंबर है क्योंकि अभी हमने रिसेंटली अपना नया पैन कार्ड बनाया है, तो हम उसी के थ्रू जाकर अपना ई पैन डाउनलोड करते हैं। तो हम चलते हैं दोस्तों अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर पर क्लिक कर लेते हैं, और जैसे हम दोस्तों एक्नॉलेजमेंट नंबर पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमें अपना जो पावती पर लिखा हुआ एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पर मैंशन करना है, तो हम वो मैंशन कर लेते हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर मेंशन करने के बाद नीचे देखिए मंथ ऑफ बर्थ और ईयर ऑफ बर्थ का ऑप्शन दिख रहा है, मतलब अगर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें डेट नहीं डालना है दोस्तों, सिर्फ मंथ और ईयर डालना है। मंथ जैसा अगर जनवरी है तो आपको 01 यानी जनवरी, यहाँ पर फर्स्ट मंथ यानी जनवरी है तो आप जनवरी सेलेक्ट करेंगे, और ईयर आपका जो भी है 1995-96 जो भी आपका है वो आप सेलेक्ट करेंगे। तो जैसा अप्रैल में अभी जैसा हमने अप्रैल सेलेक्ट कर लिया है, और यहाँ पर 2002 है ईयर ऑफ बर्थ, हम वो सेलेक्ट कर लिए। और यहाँ पर नीचे दोस्तों प्रॉपरली आपको कैप्चा फिल करना है, कैप्चा फिल करने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है दोस्तों। तो हमारा कैप्चा प्रॉपर फिल हो गया दोस्तों, हम सबमिट बटन पर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों जैसे हम सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं हमारे पैन कार्ड का जो डिटेल है सामने आ जाता है, जैसे कि हमारा पैन नंबर और पैन कार्ड से जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है दोस्तों वो भी सामने दिख रहा है, और ईमेल आईडी, ये सारी डिटेल और पिन कोड, ये सारी डिटेल हमारे सामने आ गई है। तो हम अच्छे से वेरीफाई कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि हमारा सब डिटेल बराबर है। तो अभी हमें OTP की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपका ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर, यहाँ पे ऑप्शन है दो, अगर आप ईमेल आईडी पे अगर OTP चाहते हो तो ईमेल आईडी सेलेक्ट कीजिए, मोबाइल नंबर सेलेक्ट करना चाहते हो तो मोबाइल नंबर भी सेलेक्ट करके OTP डाल सकते हैं। तो जैसा कि हमारा मोबाइल नंबर अभी अवेलेबल है तो मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर लिए, आप चाहिए तो बोथ यानी दोनों भी सेलेक्ट कर सकते हो। हम मोबाइल नंबर सेलेक्ट करके सेंड OTP पर क्लिक कर देते हैं। दोस्तों जैसे हम सेंड OTP पर क्लिक करते हैं तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आ जाता है। हम यहाँ पर अपना जो मोबाइल नंबर पर OTP आया यहाँ पर हम प्रॉपरली वो मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। दोस्तों OTP प्रॉपरली मेंशन करने के बाद वैलिडेट कर देते हैं। जैसे हम वैलिडेट करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से विंडो ओपन हो जाता है। यहाँ पर देखिए डाउनलोड ई पैन PDF दिख रहा है और डाउनलोड ई पैन XML फाइल दिख रहा है। तो हमें जैसा PDF में अपना पैन कार्ड चाहिए तो हम डाउनलोड ई पैन PDF पर क्लिक करना है, और ऊपर देखिए एक रेड कलर में सब डिटेल लिखा है कि अगर हम ई पैन का जो PDF है डाउनलोड करते हैं तो उसमें जो है पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहेगा, तो हम अपना पासवर्ड कैसे डाल सकते हैं,
तो उसका यहाँ पे डिटेल लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ प्रॉपरली अगर मेंशन कर लेंगे, डेट मंथ और ईयर प्रॉपरली, तो हमारा जो ई पैन है वो प्रॉपरली ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है डेट मंथ ईयर, जैसा कि अगर आपका डेट अगर यानी 1 जनवरी 1995 है तो आप 01 लगाएंगे पहले, 01/01/1995। तो इस तरीके से हमने भी अपना फिल कर लिया डेट ऑफ बर्थ, और देखिए हमारे सामने कुछ इस तरीके से हमारा पैन कार्ड का जो पीडीएफ है ओपन हो चुका है। दोस्तों आपसे तो दोस्तों इस पैन कार्ड का जो पीडीएफ है इसका प्रिंट निकाल सकते हो, या तो आप अगर इसका स्मार्ट कार्ड में कन्वर्ट कराना चाहते हो आप स्मार्ट कार्ड भी बना सकते हो। दोस्तों इसका जो वैल्यू होगा, आपका जो कुरियर से पैन कार्ड आता है उसके जैसा ही सेम वैल्यू इसका होगा दोस्तों, कोई इसे लेने से मना नहीं कर सकता है। तो दोस्तों आप देख ही चुके हैं कि आप ऑनलाइन NSDL की साइट पर अपना ई पैन कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, हो सकता है आपके एक शेयर से उनकी भी कुछ हेल्प हो जाए। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं किसी और वीडियो में।